وسلم على رسول النبي الأمين المقيد الحليم الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله مولانا العظيم. قاضی امین الدین قادری صاحب، رفیق نجم صاحب، میاں کاشف محمود صاحب، میاں ظفر اقبال صاحب، قاری محمد فاروق صاحب اور تمام قائدین تحریک منہاج القرآن فیصل آباد مرکز سے تشریف لے گئے تمام قائدین یوتھ اور مستقبل انقلاب کے سپاہیوں، اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے منہاج القرآن یوتھ کو اپنی 18ویں تاسیس بنانے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ پاک آپ سب کے ان جذبوں کو، بلبلوں کو مشن سے اور اپنے قائد سے محبتوں کو سلامت رکھے اور ان میں اضافہ کرتا چلا جائے اور اس وقت تک ان کو بڑھاتا رہے جب تک خصوصاً پاکستان کی سرزمین پر اور عموماً امت مسلمہ کے تمام ممالک میں مستقبل انقلاب کا سویرا طلوع نہیں ہو جاتا اور مستقبل پر دم ہر سو لہرانے نہیں لگ جاتا اور اسلام پھر سے وہی اپنی کھوئی ہوئی عظمت واپس پا نہیں لیتا جو کہ آج سے چند سو سال پہلے اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کو عطا کی تھی. حاضرین گرامی، جو موضوع گفتگو کے لیے مجھے دیا گیا ہے وہ آج کے حالات کے پیش نظر نہایت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ آج پاکستان اس تباہی کے سہارے پر کھڑا ہے جس کا منظر پاکستان کا خواب دیکھنے والے حضرت علامہ اقبال نے نہ دیکھا تھا اور امت مسلمہ بھی بستیوں کے اس گڑھے پر ہے تھا. حاضرین گرامی، جب پاکستان بنایا گیا اس وقت جو مقصد پیش نظر تھا وہ ایک ایسا ملک کا قیام تھا جس میں شریعت کا نفاذ بھی ہوتا اور آخر صراط و سلام کے لائے ہوئے دین کی اقدار کی حفاظت بھی ہوتی. مگر ایسا نہ ہو سکا کہ حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر اور قادری مدظل علی جو پاکستان کے لیے سوچا اور جس مقصد کے لیے انہوں نے دن رات جدوجہد کی، یہ وہ پاکستان بھی نہیں ہے
हमारे जहां पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान इस्लाम दुश्मन ताकतों का मन जहां पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान वेस्टर्न वफादार से मकबूल पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान अल्लामा इकबाल का पाकिस्तान नहीं है, ये पाकिस्तान इस्लाम के लिए लिया गया पाकिस्तान नहीं है, ये पाकिस्तान रूस और इस्लाम की फिलोसफी का पाकिस्तान नहीं है। इस पाकिस्तान के पाकिस्तान को अपने काफिर खुदाओं की मनचाही चालों और मनचाही ख्वाहिशात पर अपनी पाकिस्तान है। आखिरी गुलामी आज मुस्लिम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह के कलमे और अपने वेस्टर्न खुदाओं को लबैक कहने के दरमियान कंफ्यूज हो चुकी है और एक पुख्ताने के कहे की तरफ जा रही है जिसका अंजाम बहुत दर्दनाक है। आखिरी ने कहा अगर आज की औरत मुस्लिमा और खूबसूरत पाकिस्तान के नौजवानों ने इन बुरे हालात के मुतालिक न सोचा जिसकी तरफ हुजूर शेखुल इस्लाम बारहों मरतबा पूरी उम्मत की तवज्जो दिला चुके हैं तो वक्त दूर नहीं कि आज से चंद सौ साल पहले इस तरह कहां करते थे कि मशरिक सूरज की तरह चमक रहा है और मशरिक अंधेरे में डूबा हुआ है और ये वक्त दूर नहीं यहाँ पर
चाहूंगा आज से 1970 में अमरीका जो आज की सुपर पावर है वो एक बहुत ही बड़े माशी बहरान का शिकार हो गई थी। और उस जमाने के तजरिया निगारों ने ये तजरिया किया था कि अमरीका और चंद सालों में खत्म हो जाएगा, मगर एक मुल्क उसकी मदद को पहुंच गया। माशी बहरान आया कैसे? अमरीका और जवानों ने अपनी उस जमाने में अपनी अमरीकी कारें बनाने में बहुत माहिर माना जाता था और उन्होंने लाखों कारें बना दी और तमाम की ताकत खरीद जो थी वो खत्म हो गई। और वो खत्म होने के बाद वो कारें जो की तो खड़ी रह गई और तमाम में वो खरीद न सका कोई, जिसकी वजह से मुल्क का सारा माल और पैसा और कारों में स्टक हो गया और मुल्क माशी बहरान का शिकार हो गया। एक पहुंच गया उसकी मदद के लिए, उसने उस मुल्क की अमरीका की मदद ऐसे की कि उसकी वो सारी कारें खरीद ली। खरीदने से वो मुल्क का जो पैसा था अमरीका का पैसा वो वापस लिक्विडेट हो गया, वापस दिख के उनके हाथों में आ गया और वो मुल्क माशी बहरान से निकल गया। अब सवाल पैदा होता है वो मुल्क कौन था? आदरणीय ग्रामीण, वो मुल्क जापान था। जापान वही मुल्क था जो 1945 में अमरीका ने दो बार न्यूक्लियर बम से उस पर हमला किया था और 2 लाख से ज्यादा कत्ल वहां पर किया था। ये वही मुल्क था, मगर वो एक कामयाब नेशन थे और उन्होंने अपनी जेब और अपने हुस्न को जो उनके अंदर पल रहा था, उनकी कौन का 2 लाख कत्ल हुआ था उस पर इस्तेमाल उन्होंने बदले की सजा से नहीं किया। उन्होंने अपना गुस्सा, अपनी तरक्की, अपनी कौम की तमीर और अपने भाव की तमीर में खर्च किया और उस हुस्न को अपनी तमीर में लगाया। और फिर जब उसी अमरीका जिसने उन पर जुल्म किया था उनकी बात आई तो उन्होंने उनकी मदद की। और वो मदद क्यों की? क्योंकि उनकी नजर उस मुल्क की तमाम पर न थी, उनकी नजर अपने मुल्क की तरक्की पर थी। क्योंकि जापान दुनिया की सबसे आला तरीन और सबसे कीमती टेक्नोलॉजी बनाने के लिए माना जाता है और अमेरिका दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है, तो जापान जो सबसे कीमती टेक्नोलॉजी बनाता है तो उसका पहला कॉरियर, पहला खरीदार हमेशा अमेरिका हुआ करता है, क्योंकि इतनी कीमती टेक्नोलॉजी कोई और मुल्क पहली मरतबा खरीदने की जसारत नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने उस मुल्क की तबाही पर नजर नहीं लगाई, उन्होंने अपने मुल्क की तरक्की पर देखा कि अगर वो आज अपने उस बड़े खरीदार को न बचाए तो वो खरीदार के साथ साथ वो खुद भी मर जाएंगे। आखिरी गलामी कामयाब मुल्कों की ही अलामत हुआ करती है, वो अपने हुसन को अपनी तामीर और तरक्की में इस्तेमाल करती है। इसके बाद वो अपने मुसलमान का परमीशन चीज है कि उन्होंने अपनी तरक्की और अपनी कमजोरियों को देखना छोड़ दिया है और आज की नौजवान नस्ल को सो कौन रहना इस बात पर लगाती है और इस बात कहती है कि दो पर जुल हो रहा है, तुम्हारा इतना कत्ल हुआ, तुम्हें मार दिया गया, तुम भी बंदूक उठाओ, उनके सीने में गोली उतार दो। आखिरी ने कहा भी ये हालात के इन मसलों का हल नहीं है, क्योंकि इस्लाम भी इस बात की तालीम नहीं देता और हजूर शेखुल इस्लाम जो हमारी क़ियादत है इस सदी की तजदीदी तहरीक के बानी है, इस सदी के मुसद्दिद है, उन्होंने भी जो फलसफा पूरी दुनिया को दिया है, पाकिस्तानी आवाम को दिया है, वो भी इसके बरक्स है, वो भी तरक्की पर जोर देती है। अपने आप को इतना मजबूत कर लो, इतना अपने आप को उठा लो कि फिर कुछ कोई तुमको नजर न उठा सके। अगर यूं ही पिस्ते पिस्ते मरते हुए किसी पर चोर को मार देने की फिलोसफी और वो हमारे पास निजाम रखा तो कभी कुछ हासिल नहीं होगा। मेरी फिलोसफी और शेर इस्लाम शामी एक मिनट।
सर जी सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शायद फोन कट गया था तो मैं बात जो कर रहा था कि हजूर शेखुल इस्लाम बारहा पूरी उम्मत को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं और इस वक्त शायद वो अकेली क़यादत है इस दुनिया में कि जो एक मॉडरेट फिलॉसफी के साथ दुनिया को समझा रहे हैं कि अरे नादानो समझो अपना कत्ल खुद कर रहे हो अपनी उम्मत को संभालो अपने आप को इतना मजबूत कर लो कि फिर दुनिया की आंखों में आंखें डाल कर बात कर सको फिर कोई भी ताकत तुम पर नजर उठाकर न देख सकेगी। आदरणीय गरामी यहां पर मैं एक और जो कमजोरी मौत के अंदर पैदा हो गई थी वो पिछले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी उसको भी आज हजूर शेखुल इस्लाम ने खसूसन जवानों में उभार रहा है Yeah.
हो जाता है। इसकी मिसाल मैं यूं देना चाहूंगा कि अगर कोई हुकूमत का शख्स ये ऐलान करे कि उसने एक शहर पूरा साफ करना है, और अगर वो ये तरीका इख्तियार करे कि चंद लोगों पर अपनी एक तंजीम बना दे और कहे कि आप लोग पूरा शहर साफ कर दें, तो ये मुमकिन ना होगा। सदियां बीत जाएंगी, शहर साफ ना हो सकेगा। उसके बाद अगर ये कह दिया जाए कि हर शख्स अपना घर खुद साफ कर ले, तो एक हफ्ते के अंदर पूरा शहर साफ हो जाएगा। इसी तरह हाजरी ने कहा कि जब हम इंतजाम की बात करते हैं तो जरूरत इस बात की है कि माशरे का हर एक फर्द, हर एक जवान पहले अपने अंदर इंतजाम पा करे। जब उसके अंदर समझाया भी करो, और फिर इन
इंशाल्लाह जब इंकलाब अपने अंदर पपा हो जाएगा फिर पैगाम लेकर गली गली कूचा कूचा निकलो कि आदत भी घूम रही है तुम्हारी, तुम भी निकला करो जो आग क्यादत के सीने में चल रही है, हजूर शेखुल इस्लाम के सीने में चल रही है, वही भावना अपने सीनों में उतारो ताकि उस आग से मुल्क तक भी बात पहुंच सके। क्योंकि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जिसको खुद न हो ख्याल अपनी हालत के बदलने का। और आपके लिए आखिर में एक खुशखबरी की बात करना चाहूं, इससे मालूम तो सभी को है मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस सदी में इस्लाम को बचाने की जिम्मेदारी मिनहाजुल कुरान को दी है, हजरत शेखुल इस्लाम की क़यादत में इस सदी ने इस्लाम की खिदमत आप लोगों को अल्लाह ने दी है। तो बस इसी खिदमत को मानकर अपने दिल में खुश हुआ करो और आंखें बंद करकर कायद के निशानों पर नजर कहीं कहीं बस खिदमत करते जाओ, इस्लाम को बचाते जाओ, कायद के निशानों पर नाचते जाओ। अरे इससे बड़ी बात क्या है कि अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब के मजहब को बचाने की इस सदी में जिम्मेदारी खुद ले दी है, इससे प्यारी बात क्या है। बस आंखें बंद करकर अपने कायद का अपने प्यारे हबीब का और मौला का तसव्वुर करकर गली गली नगर नगर कायद के पैगाम को लेकर चलते जाओ और खिलाते जाओ। इंशाअल्लाह जिस तरह आज आप लोगों के यूथ के सफर को 18 साल बीते हैं इसी तरह 100 साल भी बीतेंगे। बस हिम्मत न हारो, जो आयत करीमा मैंने इब्तदा में तिलावत की है उसमें भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यही इरशाद फरमाया है वला तहिनु वला तहजनु वअंतुमुल अअलौन इन कुंतुम मुमिनीन, और तुम हिम्मत न हारो और न कम करो और तुम ही गालिब आओगे अगर तुम कामिल ईमान रखते हो, अपने मौला पर ईमान रखो, अपने हबीब मुकर्रम पर ईमान रखो, अल्लाह की शहादत पर ईमान रखो, इंशाअल्लाह गलबा की हासिल तो हर जो है और निराज और हलाल गालिब आगे ही रहेगा। खराबाक आप सबको बरकत दे, आप सबके अल्लाह बलबलों और चश्मों में इजाफा करें और इंशाअल्लाह उस वक्त तक आपको मिशन के साथ इस्तेकामत पर रखे जब पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा पर इंकलाब का सवेरा तलू नहीं हो जाता। और जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें अपने कायद की संगतें दुनिया में अता की है, मैं दुआ को हूँ कि अल्लाह वही संगतें हमें आखिरत में रोजे मिश्र भी अता करे। और सलाम वमा अलैना इल्ला भाई तेरा भाई मेरा भाई जुर्रत और बहादुरी।